फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिज़ाइनर ब्लाउज़ की बेकनेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो ये देखिए मेन फैब्रिक है और ये लाइलन है। तो यहाँ पर देखिए अस्तर को हमें अच्छे से इस तरह से फोल्ड करते हुए रख लेना है। फोल्डिंग वाला पार्ट अपने तरफ रखना है बंद साइड, और देखिए नीचे अगर कपड़ा तिरछा हो तो कट करके सीधा कर लेना है। और अब यहाँ से लेंथ का निशान लगाना है, तो लेंथ जितना भी है उसमें 1 इंच प्लस करना होता है। तो यहाँ पर देखिए लेंथ 13 इंच था, तो 14 इंच पर मैंने निशान लगाया। और अब शोल्डर का निशान लगाना है, शोल्डर है 5 इंच और आर्म होल है 5.5 इंच, यानी शोल्डर 5 इंच और आर्म होल 5.5 इंच। और देखिए जो भी मेजरमेंट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वही मेज़रमेंट हम यहाँ पर लगाएंगे। और अब देखिए चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट जितना भी हो उसका 1/4 लेना है, यानी 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पर 34 साइज़ का चेस्ट है, तो यहाँ पर उसका 1/4 हुआ 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और इस तरह निशान को सीधा कर देना है। आपका जो भी मेज़रमेंट है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा सकते हैं, बस याद रहे 4th पार्ट लेना है 1/4। और यहाँ से देखिए कमर का निशान लगाना है, वेस्ट है 28 इंच, उसका 1/4 हुआ 7 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए, और 1 इंच बैक पार्ट में टक्स के लिए। और यहाँ से देखिए 1/2 इंच हमें बढ़ाना होता है, डीप नेक अगर देते हैं तो यहाँ पर 1/2 इंच आर्म होल की तरफ बढ़ाना होता है। और यहीं से देखिए ये जो 1/2 इंच हमने निशान दिया, यहीं से हमें अब आर्म होल का शेप देना होता है फिटिंग के निशान तक इस तरह से। और अब इस पर एज इट इज़ हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कटिंग हो गई है, और अब हम एज इट इज़ यहाँ पर मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक पे 1/2 इंच ज़्यादा लेते हुए कट करना है। ये देखिए यहाँ पर कटिंग हो गया है। तो अब हम नेक का निशान लगाएंगे, तो नेक विड्थ है 2.5 इंच, 2.5 इंच, नेक लेंथ 9.5 इंच है, 9.5 इंच, और नीचे से आप 3 इंच या फिर 3.5 इंच इस तरह से दे सकते हैं, आपको जैसा नीचे का चौड़ाई पसंद है। और इस निशान को सीधा कर देना है, इसे हम 5 शेप दे देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक, अगर आप डोरी लगा रहे हैं ब्लाउज़ के बैक पार्ट में तो आप 2.5 इंच रखें, अगर डोरी नहीं लगा रहे हैं तो 2.25 इंच या फिर 2 इंच ही रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। तो देखिए नेक का डिज़ाइन मैं पेपर पेस्टिंग पे अच्छे से आपको करके दिखाती हूँ। तो हमें लेना है पेपर पेस्टिंग, इस तरह से फोल्ड करते हुए पेपर पेस्टिंग को रख लेना है। तो जैसे कि देखिए नेक विड्थ है 2.5 इंच, नेक लेंथ है 9.5 इंच, 9.5 इंच, और नीचे से भी मैं 2.5 इंच ही रख रही हूँ, 2.5 इंच। और इस निशान को हमें सीधा कर देना है इस तरह से। और देखिए यहाँ से हम 5 शेप दे देंगे इस तरह, इस तरह से 5 का शेप दे देना है। इस निशान को हमें दूसरे तरफ भी इस तरह मार्क कर लेना है, और इधर से भी देखिए मेज़र कर ले, 2.5 इंच एकदम इक्वल होना चाहिए। और देखिए ये जो दूसरे तरफ है इस तरह हमें करते हुए रख लेना है फिर से। और यहाँ पर देखिए पहले हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, 1.5 इंच का निशान हम इस तरह से लगाते जाएंगे नीचे तक। और इस निशान को देखिए मैं पेंसिल से आपको अच्छे से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, इस तरह से अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। और इधर से देखिए 1 इंच का निशान हमें लगाना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें 1 इंच का निशान इधर से भी लगा लेना है, और ये निशान सिर्फ हमें इस तरफ ही लगाना है, दूसरे तरफ नहीं। और अब देखिए अच्छे से इसको डार्क कर लेना है, और अच्छे से देखिए पिन लगा लेंगे हम नेक पर इस तरह से। और देखिए अंदर वाला जो नेक है इसको इस तरह कट कर लेना है। और अब देखिए बाहर वाले नेक को भी हमें कट कर लेना है, चाहे तो आप इस तरह पिन लगा सकते हैं, और बाहर वाले नेक को हमें इस तरह कट कर लेना है। और अब देखिए नेक को हम इस तरह से खोलेंगे। अब देखिए इस दूसरे तरफ जो हमने निशान लगाया है 1.5 इंच का, उस निशान को हमें हल्का देखिए इस तरह से शेप दे देना है। और अब देखिए इस निशान को हमें कट कर लेना है जो 1.5 इंच का हमने निशान लगाया, और इस पार्ट को हमें अलग से रख देना है क्योंकि इसी पार्ट पर हम ब्लाउज़ का डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो इसको अच्छे से रख देना है अलग से। तो इस वाले पार्ट को अलग से रख दें, और ये जो नेक हमने कट किया है इसको अच्छे से छाट लेना है। तो देखिए कटिंग हो गई है, और इस साइड में देखिए जो पेपर पेस्टिंग है वो ज़्यादा है, तो इसको कट कर लेना है।
एक इंच या फिर हाफ इंच आप रखते हुए इसको कट कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से कुछ नेक रहेगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए, अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए हम अटैच कर लेना है। चारों तरफ सिलाई करके हमें ज्वाइन कर लेना है। हाथ सिर्फ निसिंग देते रहे ताकि अंदर कोई सिल या क्रीस ना रहे। तो देखिए, दोनों पार्ट को मैंने अटैच कर लिया है और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है, जो आप साइड से कपड़े को देख रहे हैं। कट कर लेना है इस तरह से चारों तरफ। और अब देखिए, हमें इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है और अच्छे से सेंटर से मिलाते हुए एक छोटा सा कट लगा लेना है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ भी एक कट लगा लेना है। और यहाँ से देखिए, चौक से हमें सेंटर पे मार्क कर लेना है। तो अब हम नेक वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अस्तर वाले कपड़ों को जॉइंट कर लिया है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, और अगर छोटा छोटा कपड़ा हो तो इस तरह से जॉइंट लगा कर उसको रख सकते हैं। और उसके ऊपर हम सारे नेक पार्ट को इस तरह से रख लेना है। अच्छे से नेक का जो विड्थ है अच्छे से मिलाते रहना है। मिलाकर इसके ऊपर हमें पिन लगा लेना है दोनों तरफ से। दूसरे तरफ भी नेक के पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए पिन लगा लेना है। और अब देखिए, इस पर हम सिलाई करके दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। आप चाहे तो प्रेस करके भी इसको और अब देखिए, साइड से हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है मार्जिन रखते हुए, हाफ इंच करीब या फिर मार्जिन का जितना आप चाहते हैं इस तरह से कट कर लेना है। और इस पर देखिए, छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं चारों तरफ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, नेक वाले पार्ट थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैंने कट कर लिया। और अब जो मार्जिन वाला पार्ट है उसको हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे नेक पर सिलाई कर लेना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर ज़्यादा लगे तो उसे कट कर लेना है। अब देखिए, नेक वाले जो सेंटर का पार्ट था उसको हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पर मार्क लगा लेना है। इसका सेंटर निकालना है नेक पार्ट का, ऊपर में छोटे सा कट लगा लेना है और नीचे से आप देखिए क्रीज बना ले फोल्ड करते हुए। और देखिए, मेन पार्ट को रखना है, उसके ऊपर हमें नेक वाले पार्ट को रखना है। मेन पार्ट का जो सेंटर है और नेक का जो सेंटर है इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए रखना है और एक रफ स्टिच कर लेना है सेंटर पे। और अब चारों तरफ से देखिए, पेपर पेस्टिंग किससे बिल्कुल चिपकाते हुए हमें अच्छे से सिलाई कर लेना है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं करना है, पेपर पेस्टिंग किससे बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई करना है। तो देखिए, सिलाई लग चुकी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए, कॉर्नर पर हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है और पूरे नेक पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं इस तरह से। और अब देखिए, ये जो पेपर पेस्टिंग वाला नेक पार्ट है इसको हमें दूसरे तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। और ये एक सिलाई हमें जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसके ऊपर करना है इस तरह से। पूरे नेक पर अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर सिलाई कर लेना है चारों तरफ। और अब देखिए, ये जो नेक वाला पार्ट है अस्तर का, इस वाले पार्ट को हमें दूसरे तरफ पलट लेना है उल्टे तरफ। और यहाँ पर देखिए, कॉर्नर का या फिर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से पूरे नेक पर सिलाई कर लेना है फिनिशिंग का। तो देखिए, सिलाई लग चुकी है। और अब देखिए, अब हम टक्स लगाएंगे। तो सेंटर से इस तरह से मिलाते हुए फोल्ड कर लेना है और इस तरह से टक्स लगा लेना है। टक्स का लेंथ यहाँ पर आप 4.5 इंच या फिर 4 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ टक्स लग चुकी है। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, 1.5 इंच चौड़ी मैंने कमर पट्टी ली है और सीधे तरफ करते हुए कमर पट्टी को हमें इस तरह से रखते हुए जॉइंट कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। और एक सिलाई देखिए, कमर पट्टी के ऊपर ही लगाना है, मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं बल्कि कमर पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और अब उल्टा तरफ हमें इस तरह से पलटते हुए डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। कमर पट्टी का टॉप स्टिच लगा लेना है।
तो यहाँ पर देखिए सिलाई लग चुकी है। देखिए अब हम नेक वाले पार्ट को लेना है, जो हमने नेक का पार्ट कट किया था सेंटर का, उस वाले पार्ट को हमें पेपर पेस्टिंग या फिर किसी भी पेपर को ऊपर रख लेना है मिलाते हुए, और एज इट इज़ हम इस पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क कर लेना है, और यहाँ से देखिए नीचे से हमें 1 इंच या फिर 1.5 इंच करीब ज़्यादा लेते हुए निशान लगाना है दोनों तरफ से, ताकि सिलाई करते वक्त छोटा ना हो। और इधर से देखिए हमें 1/2 इंच मार्जिन ले लेना है, इस तरह से सिलाई में जो मार्जिन जाएगा उसके लिए 1/2 इंच ले लेना है, और एज इट इज़ कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो देखिए कटिंग हो गई है। अब हम देखिए नेक का डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसके लिए देखिए मैंने एक स्ट्रिप लिया हुआ है पट्टी, इसका चौड़ाई कम से कम 1.5 या फिर 2 इंच होनी चाहिए। तो जैसे कि हम डोरी सिलाई करते इसी तरह हम यहाँ पर सिलाई करते हुए इस डोरी को रेडी कर लेना है। और अब देखिए यहाँ पर सिलाई लग चुकी है, तो अब इसे सीधा कर लेना है। इस तरह से आप सुई में 4 फोल्ड करते हुए धागा डाल ले और फिर डोरी को सीधा कर ले। तो यहाँ पर देखिए डोरी को मैंने सीधा कर लिया है। अब देखिए जो सेंटर वाला नेक पार्ट को हमने कट किया, इस वाले पार्ट को हमें इस तरह से रखना है, और इसका चौड़ाई जितना है इतने बराबर ही हमें सारे पट्टी को कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सारे डोरी को मैंने कट कर लिया है। अब देखिए नेक वाले पार्ट के ऊपर की तरफ हमें इस तरह से रखना है, करीब 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें एक एक पट्टी को इस तरह से रखना है। इस तरह से हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए एक एक डोरी को रखना है और जॉइंट कर लेना है। तो देखिए सारे डोरी को मैंने लगा लिया है। अब देखिए दूसरी तरफ से भी हमें अच्छे से डोरी को मिलाते हुए हाथ से अच्छे से फिनिशिंग देती रही और सिलाई कर लेना है। सारे डोरी को अच्छे से मिलाते हुए हमें सिलाई कर लेना है इस तरह से, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो अब देखिए इस पट्टी को हम अब डिज़ाइन देंगे, तो पहले हमें सुई में 4 फोल्ड करते हुए धागा डाल लेना है, और पहले एक पट्टी में यानी एक जो डोरी है उस पर हम इस तरह से सिलाई करते हुए बो बनाएंगे, और फिर 2 मोती मैं सुई के अंदर डाल रही हूँ, और फिर दूसरे डोरी में हम इस तरह से सिलाई करते हुए बो बना लेंगे। फिर से हम 2 मोती इस सुई में डालेंगे, और फिर इसके बाद वाले डोरी है उसको हम बो बना लेंगे। तो इसी तरह करते हुए सारे डोरी को हम बो का लुक दे देंगे और मोती अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एक मोती भी यूज़ कर सकते हैं, आपको अगर छोटी वाली मोती चाहिए तो छोटी वाली मोती भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने यहाँ 2 मोती यूज़ किया है तो आप 2 या फिर 1 मोती यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोती अटैच कर लिया है, और यहाँ पर देखिए मैं अब पट्टी लगाऊंगी इसके नेक के तरफ। तो इस तरह से देखिए सीधी तरफ करते हुए मैंने पट्टी को नीचे की तरफ रख लिया है, और ऊपर से मैंने इस नेक वाले डिज़ाइन को रखा है, और दोनों पार्ट को हमें इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है, धीरे धीरे करते हुए ज्वाइंट करना है। और देखिए जो पट्टी मैंने रेडी किया है ये क्रॉस पट्टी है, इसको मैंने क्रॉस पट्टी कट किया है तिरछे में, उड़े पे पट्टी जिसको कहते हैं। और देखिए डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर पट्टी को रेडी कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं या फिर लेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई कर लेना है डबल फोल्ड करते हुए। तो ये देखिए सिलाई लग चुकी है, मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा धागा या फिर कपड़ा हो उसे कट कर लेना है। और अब देखिए नेक वाले पार्ट को हमें लेना है इस तरह से, और इस वाले पार्ट को जो हमने रेडी किया ऊपर से हमें अच्छे से इसको मिलाते हुए रख लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर पिन भी लगा सकते हैं, और देखिए तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इस पर मैं इस तरह से दोनों पार्ट को अटैच कर लूँगी,
हल्के हाथों यहाँ पर सिलाई करें। तो नेक वाले पार्ट को हमें हल्के हाथों इस तरह से करते हुए सिलाई कर लेना है, दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है। याद रहे यहाँ पर खींचना नहीं है कपड़े को, दोनों पार्ट में से किसी भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है, धीरे धीरे करते हुए सिलाई करना है। तो देखिए सिलाई लग चुकी है। अब देखिए नीचे की तरफ जो पेपर हमने यूज़ किया है उसको कट कर लेना है। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पेपर को कट कर लिया है और मोती लगाने के बाद ये ब्लाउज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चाहे तो आप यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं दोनों तरफ नेक के डिज़ाइन पे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।